बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डार्क साइकोलॉजी, आजकल आप सब ने देखा डार्क साइकोलॉजी का काफ़ी ट्रेंड है। और डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी होती है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं डार्क साइकोलॉजी की एक टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि कोई आपके पीछे पागल हो, तो उसके लिए जो कौन सी टेक्निक की जाए कि लोग आपको छोड़ के ना जाएँ, वो आपके रिलेशनशिप में हो, आपके दोस्त हों, या आप किसी को अपने पीछे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो आज मैं आपको उस टेक्निक का डिटेल में बताऊंगी एग्जांपल के साथ, ताकि आप उस टेक्निक को अप्लाई करके आप जिन लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव करें। और दूसरा ये है कि जब आपके ऊपर इस्तेमाल हो रही हो ये टेक्निक, तो आपको समझ आ जाए और आप अपने आप को बचा सकें। तो जो टेक्निक है उसका नाम है लव बॉम्बिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके पीछे पागल हो और आपके साथ रहे और आपके साथ अटैच रहे और आपको छोड़ के ना जाए, या कोई बंदा आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कर रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपको उस टेक्निक का पता चल जाएगा और फिर आप या तो उस टेक्निक अप्लाई करने वाले से बच जाएंगे, या फिर जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं आप उसको अपने साथ रखेंगे। तो पहली इस टेक्निक का मतलब ये है कि किसी को इतना ज़्यादा प्यार देना, केयर देना, गिफ्ट देना, अपना टाइम देना, उसको इतना थोड़े अरसे के लिए बहुत ज़्यादा आप उसको इतना प्यार दें, टाइम दें उसको, उसको मतलब खाने की कोई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डिनर पे बुलाना, खाना देना। जब ये चीज़ें आप एक टाइम के लिए एकदम से जल्दी करते हैं, तो ये एकदम से उसकी जो न्यूरो साइंस के इसके पीछे यह है कि उसके दिमाग से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसको डोपामीन कहते हैं। और जब एकदम बहुत ज़्यादा केयर दी जाती है, तो एकदम से एकदम बूस्ट होता है, ज़्यादा डोपामीन रिलीज होगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लेयर उसको इसमें फील होगा। और एकदम से जो प्लेयर की जो फीलिंग्स आती हैं, वो अगर आप स्लोली स्लोली किसी को केयर देंगे, उसको प्यार देंगे, टाइम देंगे, गिफ्ट देंगे, तो उसमें वो जो है ना, वो बूस्ट नहीं आता, जो कि अचानक और ज़्यादा एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी देने से एक डोपामिन का बूस्ट आता है। उस बूस्ट की वजह से वो बंदा अटैच हो जाता है। रिवार्ड सिस्टम है ये हमारे माइंड में, तो रिवार्ड पाथवे उसका एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आपने इतनी केयर दे दी, तो उसकी दूसरी साइड ये है कि केयर देने के बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। अब कुछ टाइम के लिए जब उसको आप छोड़ देंगे, तो केयर नहीं देंगे, तो होगा ये कि वो आदी हो चुका होगा, क्योंकि उसको जो एक बूस्ट आई थी, वो जो प्लेयर फील हुआ था, उसके पीछे वो दोबारा आपके पीछे फिर से आएगा। तो ये टेक्निक आप अप्लाई करें कि आप ये अच्छा, ये अप्लाई कौन कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, ग्रैंडियोसिटी होती है जिनके अंदर। और किन के ऊपर ये काम करती है? ये उन लोगों पर काम करती है जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, और जो लोग बच्चों की तरह उनकी एस्टीम कम होती है, वो लोग जल्दी लव बॉम्बिंग में आ जाते हैं। इसलिए आप देखें कि अगर कोई आप पे लव बॉम्बिंग फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नवाजता है, एकदम से आपके साथ बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, आपके साथ 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 है, और पूरा आपको उसने एंगेज किया हुआ है, तो आप देखें कि कहीं ये लव बॉम्बिंग तो नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग जो जिनकी रिलेशनशिप में जो लव मैरिजेस करते हैं, वो शुरू में उनके साथ यही होता है कि वो उनको इतना लव बॉम्बिंग फेंका जाता है कि वो इतनी ज़्यादा वो उसके एडिक्शन में आ जाते हैं। जब उसके साथ वो इतने अटैच हो जाते हैं, और बाद में जब शादी होती है, तो वो चीज़ें उनको नहीं मिलती, उनका जो असल चेहरा है, क्योंकि ये चीज़ें तो एक टाइम के लिए उसको प्लेयर के लिए मिल रही हैं। हैबिट्स के साथ इंसान एक दूसरे के साथ सर्वाइव करता है। जब उनको एक दूसरे की आदत पता चलती हैं, एक दूसरे की नेचर पर्सनैलिटी पता चलती है, तब उनके दरमियान लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मेरी काउंसलिंग के दौरान मैंने जितने लोग देखे, वो यही कहते हैं कि हमने जो देख के शादी की थी, जो चीज़ें हमें इसने दिखाई थी, आज वो नहीं है। इवन लिटरली मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझे ऐसे ऐसे वर्ड बोलती हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मैंने इसमें जो चीज़ शुरू में देखी थी, जिसके पीछे मैंने किया, वो इसके पास नहीं है। वो यही कह रही है कि ये बहुत अच्छा बोलता था, बातचीत इसकी अच्छी थी, ये बहुत ही लविंग था, अब इसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअल उसने ये लव बॉम्बिंग की टेक्निक अप्लाई की थी कि उसको ट्रैप किया था। अब बाद में तो उसको ये चीज़ नहीं मिल रही जो से शुरू में उसने की थी, उसने तो सिर्फ ट्रैप करने के लिए की थी। तो
तो आप ये देखें कि आपके ऊपर अप्लाई भी तो नहीं हो रहा, उसमें से भी बचना, और आपने किसी को लव बॉम्बिंग करना भी है तो आप देखें कि आप किस तरह से किसी को अपने साथ अटैच रखते हैं। तो अब मैं डार्क साइकोलॉजी की नेक्स्ट जो टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी बताएं। ये मेरे एक क्लाइंट ने जो और कमेंट्स में लिखा था कि आप डार्क साइकोलॉजी पे की भी जो है ना सीरीज़ बनाएं, तो मैंने आज से डार्क साइकोलॉजी की सीरीज़ शुरू की है। तो आई होप सो आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इसको अप्लाई भी करना, और अपने इर्द गिर्द आप जिनके लिए आप केयर करते हैं उनके साथ आप शेयर करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, इससे हमें हौसला अफजाई होती है और हम फिर आपके लिए नए से नए जो है ना वो टॉपिक लेके आते हैं।